हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाएंगे मटन कौशा। ये एक बंगाली डिश है। मटन को मैंने क्लीन कर लिया है। इसमें डाला 3 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 बड़े प्याज कटे हुए, नमक, हल्दी, मिर्ची, गरम मसाला, धनिया पाउडर और थोड़ा सा शक्कर, और डालेंगे 4-5 चम्मच सरसों का तेल और बहुत अच्छे से इसे मिक्स करके 2 घंटे के लिए छोड़ देंगे। फिर पैन में लेंगे तेल, उसमें डालेंगे जीरा, थोड़ा सा शक्कर और दालचीनी के टुकड़े और लौंग। फिर अपने मैरिनेट किए हुए चिकन को इसमें डालेंगे। डाल के इसे इसी तरह से तेज आंच पे पहले 10 मिनट पका के गैस सिम करके इसे 15 से 20 मिनट तक ऐसे ही इसको चलाते हुए भून लेना है अच्छे से। मटन जितना अच्छा भूनता है उतना ही इसका टेस्ट और अच्छा होता है। जब इस तरह से तेल निकल जाए तब इसमें मैं 2 टमाटर काट के डाल रही हूँ छोटे साइज के। फिर इसे मैं कवर करके 5 मिनट छोड़ दूंगी ताकि टमाटर हमारे गल जाए इसमें। 5 मिनट बाद देखिए कुछ इस तरीके का दिख रहा है। हमारा चिकन बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो गया है, पूरा तेल रिलीज हो गया है। अब हम इसको ट्रांसफ़र करेंगे कुकर में ताकि ये जल्दी से पक जाए। कुकर में डालेंगे और इसमें डालेंगे इसी कढ़ाई में पानी डाल के इसे मसाले को इसमें डाल देंगे। फिर 1 ग्लास गर्म पानी डालेंगे। गरम पानी डालने के बाद उसमें 2 चम्मच गरम मसाला डालेंगे। ये गरम मसाले का रेसिपी अगर आपको देखना है तो शॉर्ट वीडियोस में मेरा अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। ये मीट मसाला है, आप चिकन में भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छी खुशबू आती है। बस फिर इसे मैं कवर करके 3 विसल आने तक वेट करूँगी। 3 विसल के बाद देखिए कुछ इस तरीके का दिखेगा। गरम राइस के साथ सर्व करेंगे। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन।